अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और आज फाइनली लॉन्च हो ही गया हमारे देश इंडिया का सेकेंड कमर्शियली अवेलेबल 5G स्मार्टफोन जो कि आता है स्नैपड्रैगन 865 पे। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ वीवो आईक्यू के बारे में। हालांकि ये जो स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से नहीं आ रहा है, ये गाइज इंडिपेंडेंट ब्रांड बन करके आ रहा है, जबकि सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे अभी भी वीवो का। तो गाइज ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है आईक्यू, कभी सपने देखता था कि हमें फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लाने वाला इंडिया में बनना है, लेकिन गाइज इसके अपने को चकनाचूर कर दिया Realme ने और उन्होंने लॉन्च कर दिया Realme X50 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि गाइस सिर्फ और सिर्फ सपने को ही चकनाचूर नहीं किया, उसके साथ कई चीजें हैं जो कि आईक्यू के लिए बर्बाद करके रख दिया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यही कहेंगे, आईक्यू तू आया काईकू। तो गाइज अगर हम लोग बात कर ले ऑनेस्टली से इस स्मार्टफोन के बारे में, तो सबसे पहला तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ रहता और इसके आगे पीछे Realme X50 Pro लॉन्च नहीं हुआ रहता, तो लोग इस स्मार्टफोन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहते, क्योंकि गाइज ये पहला स्मार्टफोन होता 5G लाने वाला, पहला स्मार्टफोन होता स्नैपड्रैगन 865 लाने वाला, तो इसकी प्राइसिंग भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती। लेकिन क्योंकि अब जो है Realme X50 Pro लॉन्च हो चुका है, तो अब हम लोग को उससे कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे खरा उतरता है। तो स्पेसिफिकेशंस वाइज तो काफ़ी कुछ सेम है, लेकिन Realme X50 Pro से 1,009 रुपये कम है। जी हाँ गाइज, 1,009 रुपये कम है हर एक स्टोरेज वेरिएंट में। यानी कि Realme X50 Pro स्टार्ट होता है गाइज 38,000 रुपीज़ से, ये स्टार्ट होता है 37,000 रुपीज़ से, और Realme X50 Pro जाता है 45,000 रुपीज़ तक, और ये जाता है गाइज 44,000 रुपीज़ तक, और दोनों के बीच में जो स्टोरेज वेरियंट्स है वो बिल्कुल ही सेम है। तो प्राइसिंग का बस 1,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन उस 1,000 रुपये का डिफरेंस क्या जस्टिफाइड है? क्या हम 1,000 रुपये के लिए आईक्यू ले लें और Realme X50 Pro को छोड़ दें? देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि Realme X50 Pro उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आईक्यू में नहीं मिलता है। जैसे कि Realme X50 Pro में आपको 90 हर्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, 180 हर्ज़ का टच सेंसिंग मिलता है, यहाँ पे आईक्यू में सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ज़ का डिस्प्ले मिलता है, जबकि दोनों के दोनों सुपर एमोलेड डिस्प्ले ही है गाइस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आईक्यू है उसमें आपको शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिलता है, और यहाँ पे Realme में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। अब यहाँ पे जो आईक्यू वाले हैं वो लोग कहते हैं कि हमारा भी 180 हर्ज का टच सैंपलिंग है, यानी कि डिस्प्ले रिफ्रेश रेट से उन्होंने 3 गुना ज्यादा टच सैंपलिंग को बढ़ा दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि गाइस जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक मारेंगे कैसे? डबल रिफ्रेश रेट भी चलता है गाइस, बट ट्रिपल अगर होना अच्छी बात है, अच्छे से टच रिस्पॉन्स करेगा, बट जब तक आप अच्छा देखेंगे नहीं तब तक कैसे मारेंगे? तो 90 हर्ज होना चाहिए था गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, ये सब कुछ है। लेकिन एक चीज कहूंगा, यहां पे आपको आईक्यू में हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि Realme X50 Pro में मिसिंग है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके लिए आईक्यू की तरफ लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो कैमराज है गाइज, इसमें कैमराज में मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है, Realme X50 Pro में 64 मेगापिक्सल का, लेकिन इसमें टेलीफोटो लेंस और आपको वाइड एंगल लेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है 13-13 मेगापिक्सल का, जो कि गाइज Realme में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे मिलता है। तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है गाइज कैमरा के मामले में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि Realme आपको फ्रंट में डबल कैमरा मिलता है, जो कि वाइड एंगल लेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगेन कैमरा के डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कम हो जाता है आईक्यू। जी हाँ गाइस, ओवरऑल अगर कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पे रियलमी ही आगे उतरता है। अगर बैटरी और चार्जिंग की बात कर ले तो दोनों काफ़ी हद तक सेम है गाइस, 4400 mAh का है आईक्यू में और 4200 mAh का है यहाँ पे रियलमी में। लेकिन जो चार्जिंग है वो 55 वाट का मिलता है आपको आईक्यू में, लेकिन 65 वाट का मिलता है यहाँ पे रियलमी में। लेकिन गाइज कुछ चीज़ें हैं ना जिसमें Realme एक्सेल्स कर जाता है। जैसे कि गाइज जो Realme है वो 5G बैंड देता है सभी के सभी वेरिएंट्स में, यानी कि आप 37-38 हज़ार रुपये वाला ले, या फिर गाइज 40 हज़ार वाला ले, या फिर टॉप टियर वेरिएंट ले, सब में आपको 5G मिलता है। लेकिन जो आईक्यू है ना उसमें गाइज 5G आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप टियर मॉडल में ही लेता है। तो जो लोग 37 हज़ार लगा रहे हैं या 40 हज़ार लगा रहे हैं उनको 5G नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 44 हज़ार रुपये वाले वेरिएंट में ही आपको 5G मिलेगा, जो कि एक बैड मूव है आईक्यू की तरफ से मैं कहूँगा।
साथ ही साथ गाइस क्योंकि ये IQOO अभी नया ब्रांड है और Realme पिछले 1.5 सालों से यहाँ पे जमा हुआ है, तो यहाँ पे प्राइसिंग में और भी ज्यादा कम्पिटिटिव होना चाहिए था IQOO के तरफ से। IQOO का कैमरा भी और भी ज्यादा कम्पिटिटिव होना चाहिए था। बैटरी चार्जिंग चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन अगर बात कर लें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो उसमें भी उन्हें और भी ज्यादा कम्पिटिटिव होना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो IQOO है वो बहुत ही बुरा फोन है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, फोन बहुत ही अच्छा है, अपने प्राइस हिसाब से बहुत ही जबरदस्त है। और मैंने कहा ना गाइज कि अगर ये फोन पहले लॉन्च होता तो लोग इसे बहुत ही जबरदस्त कहते, लेकिन क्योंकि ये स्मार्टफोन बाद में लॉन्च हुआ है तो कंपेयर करने पे इसमें काफी सारी जो है हमें कमियां दिखती हैं। गाइज इसमें भी आपको कोई भी OIS नहीं मिलता, इसमें भी कोई वाटरप्रूफ है, स्प्लैश रेसिस्टेंट कुछ भी आपको नहीं मिलता है, तो ये सारी कमियां भी इसे काफी ज्यादा एविडेंट बनाती है और ये सवाल पूछने पे हमें मजबूर करती है कि IQOO आप मुझे कुछ ऐसे फीचर्स बताओ जो आप में है और Realme X50 Pro में नहीं है। तो IQOO एक या दो ही चीजें बता सकता है, जैसे कि हेडफोन जैक, और दूसरा बता सकता है गेमिंग ट्रिगर्स, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी देख लो तो वो हर चीज Realme X50 Pro में है और उससे भी ज्यादा एडवांस चीजें आपको Realme X50 Pro में मिल जाती है। तो यहाँ पे ₹1000 का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है गाइस। अगर IQOO से पहले Realme ने लॉन्च किया तो IQOO को चाहिए था कि अपनी प्राइस को और भी ज्यादा कंपिटिटिव करे और 5G non-5G जो वेरिएंट्स है गाइस, जो 4G वेरिएंट्स है, उनको और भी ज्यादा सस्ता करे। बिकॉज़ गाइस Realme X50 Pro अगर 5G दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? स्टीरियो स्पीकर्स दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? अगर 90Hz डिस्प्ले दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? अगर 64MP दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? अगर फ्रंट में वाइड एंगल लेंस दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? अगर पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट दे रहा है ₹1000 में, तो लोग उसके साथ क्यों नहीं जाएंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस जो कि Realme इनोवेशंस लेकर के आया है, तभी जाकर के वन ऑफ द बेस्ट फोन बन गया है ₹40000 में। तो ₹1000 का डिफरेंस बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और ये सच में IQOO के मार्केट को खाने वाली है। IQOO शुड हैव प्राइस्ड इट मोर एग्रेसिवली बिकॉज वो उनका फर्स्ट लॉन्च था। मैं ये नहीं कर रहा कि अपनी नुकसान करवा लो, बट फर्स्ट लॉन्च था भाई, आपका पहला स्मार्टफोन आ रहा है और आपसे पहले Realme X50 Pro आ चुका है, तो सडन डिसीजंस लिए जा सकते थे, ₹2000 और कम हो सकते थे, 34,000-35,000 हो सकता था, जिसमें ये जो स्मार्टफोन है वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता। बट गाइस नहीं, IQOO वाले हैं, तो यही कहना है। अगर आज के हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट कीजिए और हमेशा गाते रहिए गाइस IQOO अब तेरा क्या होगा, ओ मेरे IQOO, ओ मेरे IQOO, तेरा बैंड बजाया Realme ने। इंडिया में, लेकिन Realme ने इसके सपने को सपना चकना चूर कर दिया। चकना चूर नहीं गाइस, शराब। चक कौन इतना हल्ला कर रहा है।